नमस्कार दोस्तों। दोस्तों आज आप इस वीडियो में देखेंगे कि पहाड़ों के अंदर लोग जो है गन्ने का जूस कैसे पीते हैं। आप भी पीते हैं, मगर आपने जो जूस पहाड़ों के लोग पीते हैं वो एक नेचुरल होता है, और जो शहर के लोग पीते हैं उसमें आधा पानी होता है, और वो पुदीना भी नाम का। ये जो पुदीना होता है दोस्तों, इस पुदीने का जो महक है बहुत ही अच्छी होती है, और यह पुदीना मिलता नहीं है कहीं भी। तो जिन लोगों को अगर ऐसा पुदीना चाहिए तो मैं उसके उनके लिए सूखा पुदीना रखता हूँ, तो वो पूड़ियाँ मिल जाती है, 50 रुपये की करीब पूड़ियाँ मिलती है एक। तो जिन लोगों को चाहिए वो मेरे वीडियो में कमेंट कर सकते हैं, मैं भिजवा सकता हूँ उनके एड्रेस पर, मगर उसके लिए पेमेंट आपको पेटीएम के द्वारा करनी पड़ती है। तो इसलिए ये जो है ये नेचुरल चीज़ें हैं, कुदरती होती है पहाड़ों में। और यहाँ पर एक पुदीनी होता है, एक पुदीना होता है। जो पुदीना होता है उसका महक जो और उसका टेस्ट बड़ा ज़बरदस्त होता है। तो इसको क्या करेंगे, हम इसमें थोड़ा एक मिर्च डाल देते हैं, और अब आपने क्या करना है, इसमें थोड़ा नमक डाल लेते हैं, थोड़ा सा नमक डाल लेंगे, ठीक है, और हरी मिर्च, और फिर हमने इसको कूटना है, इससे कूटते ऐसे। इसको कूट कर क्या करना है, हमने रस में डालना है, फिर आप जो इसका टेस्ट है देखेंगे इतना ज़बरदस्त होता है। तो दोस्तों पहाड़ों के लोग हमेशा इसलिए फिट रहते हैं क्योंकि वो नेचुरल चीज़ें खाते हैं। नेचुरल चीज़ के अंदर हमेशा वो चीज़ मिलती है जो आपको कहीं नहीं मिलती है। इसलिए आपने सुना है जो पहाड़ों की चीज़ होती है, वैसे एक जड़ी बूटी का काम कर, चाहे पानी पी लो आप, चाहे कुछ भी पी लो। तो इसमें हमने पुदीना डाल दिया है और हरी मिर्च डाल दी है, थोड़ा सा नमक डाल दिया। अब हम इसको क्या करेंगे, इसको कूट रहे हैं, कूटने के बाद हमने इसको रस में मिला देना है। इसके बाद हम इस रस को पिएंगे तो इसका जो टेस्ट होगा बड़ा ज़बरदस्त होगा, और जो भी इस रस को पिएगा एक तो ठंडक महसूस करेगा। तो दोस्तों आपने देखा कि हमारा जो है पुदीना ये हो गया है, ये आपने देखा पुदीना। अब हम पुदीने को मिला देंगे इसके अंदर, रस के अंदर। तो दोस्तों अब हमने रस के अंदर मिला दिया, और अभी आप देखेंगे हमने जो अब टेस्ट मैं बताता हूँ कितना ज़बरदस्त अब इसके अंदर मिल गया है। दोस्तों ये जो आप नेचुरल चीज़ देख रहे हैं ये होता है जो देसी रस होता है, आप जो दुकान में पीते हैं शहरों के अंदर, आपने देखा जूस गन्ने वाले वहाँ पर उसका हमेशा जो रंग होता है वाइट होता है, इतना वो नहीं होगा। ये देखा आपने कितना, और उसके अंदर ज़्यादातर तो ग्रीस की वो आती है, क्योंकि जिस मशीन जिससे वो चलता है लिक्विड से, उसमें ग्रीस ग्रीस होती है। तो आपने देखा कि ये जो हमारा गन्ने का रस है बड़ा ज़बरदस्त है। अब हम इसको पियेंगे तो इसका जो टेस्ट है बड़ा ज़बरदस्त होगा। अभी मैं पीता हूँ दोस्तों, बहुत ही ज़बरदस्त है। अगर आप भी पहाड़ों में आते हैं तो आजकल सीजन में आप गन्ने का जूस पिए, या गन्ने का जूस आप खुद लेकर बेलने से, बेलना जो होता है वहाँ पर गुड़ बनाया जाता है और वहाँ पर रस निकाला जाता है। तो दोस्तों अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। जय हिंद जय भारत।